आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा कहलाएगी। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। सन्नाटे के पीछे से बस एक सदा ये आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। हम लोग यहीं थे, हमारी मम्मी लोग के साथ में ही रहते थे हम लोग। अच्छा। सुबह का वक्त था, 9 बजे का। पहले एक दिन पहले 27 तारीख गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी, उसके दूसरे दिन 2002 में नरोड़ा पार्टी पे जो हुआ है, 2002 में नरोड़ा पार्टी पे जो दंगा हुआ है, सुबह बंद का ऐलान था, बोले गुजरात बंद का ऐलान है। सुबह का वक्त था, सब हम लोग, सब हमारे पूरे परिवार वाले, हम सब घर ही में थे, तो ऐसे बंद का ऐलान था, सब रोड पे तोड़ फोड़ कर रहे थे। रोड पे नूरानी मस्जिद थी, मस्जिद पे तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो सब बाहर निकल के देखे कि क्या हुआ, तो बोले बंद का ऐलान है, बोले सब बंद करो। फिर थोड़ी देर बाद देखे तो चारों तरफ से टोला आने लगा, तो फिर जैसे हमारे वहाँ की पब्लिक बाहर जाती थी, तो ऐसे यानी पुलिस वाले टीयर गैस छोड़ते थे, पुलिस वालों ने हमारे पे हमला करे, ऐसे ही चारों तरफ से यानी हम लोगों को ऐसे भगाए भगाए करते थे हम लोग भागते भागते। फिर हम लोग अंदर जवान नगर है हमारे एरिया में, हम लोग वहाँ जाकर छुप गए, तो उधर भी चारों तरफ से हमारे उधर टोला आ गया था। तो हिंदू लोग बोलते थे, बोले मियाँ को तुम बिठाओगे तो बोले तुमको भी मारेंगे। वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग SRP में मदद मांगने गए कि हमको अंदर जाने दो। तो SRP वालों ने बोले ये जो गोधरा में जो हुआ है, ट्रेन जो जली है, जैसा उनका हाल हुआ है ऐसा तुम्हारा हाल होगा। बोले आज तो तुमको हर हाल में मरना है, ये पेपर हमको दिखा दिखा के उन लोग मारते थे। फिर अगर वो पुलिस वाले हमको अंदर जाने देते SRP में, तो हमारे परिवार वाले नहीं मरते। हमारे परिवार वाले के साथ और भी परिवार थे, यानी बहुत लोग और भी थे। वहाँ से पुलिस से मदद मांगी, उन पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़े कि अंदर जाने दो हमको, हमारे भाई लोग, मेरी मम्मी लोग, और भी लोग थे, तो पुलिस वालों ने अंदर जाने ही नहीं दिया। इससे करके उनको भगा दिया। हाँ, तो फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर जो यहाँ के मिलने में जो रहते थे हमारे साथ में, जो हिंदू लोग थे, जैसा उनका हमारा पहले बहुत अच्छा संबंध था, उन लोगों ने बोले कि जैसे मेरी मम्मी उनको पहचानते थे कि भाई हमको बचा लो करके बोले, तो बोले हाँ माँ जी तुमको हम बचा लेंगे। तो मेरी मम्मी के पास जो पैसा था, सोना था, जो घर से लेकर निकले थे, उन्होंने वो दिया कि हमको बचा लो। तो उन्होंने क्या बोले, हाँ माँ जी तुमको हम नरोड़े का रास्ता दिखाते हैं, यहाँ से तुम निकल जाना। तो जैसे निकलने लगे ना, उन्होंने पैसा वैसा सब ले लिया और इशारा कर दिया सामने टोलों, उन्होंने आके तुरंत पेट्रोल डाल के आग लगा दी। 2 महीने का मेरा भतीजा था नदीम, उसको भी गोद में से छीन के जिंदा आग में डाल दिए, और एक मेरा भाई था उसको भी तलवार से उसका सर अलग कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से बचते यानी सब साथ ही में थे, ऐसे भागने भागने में हम लोग सब बिछड़ गए। और जैसे मेरी मम्मी लोग आ गए थे, तो मेरी मम्मी को भी जिंदा पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उनके साथ और भी लोग थे, और हम लोग जहाँ बिछड़ गए थे, तो फिर हम लोग एक ढाबे पर चढ़ गए थे। तो वो ढाबे पर बैठे बैठे हम लोग सब हमने हमारी आँखों से देखा। अगर हम लोग चीखते चिल्लाते या बचाने उनको जाते, तो और भी पब्लिक थी हमारे, उन लोग को भी मार दिया जाता। और ऐसी जवान लड़कियाँ थी, उनका भी ऐसा 4-4, 5-5, 6-6 जन जवान लड़की का रेप करते थे, और करने के बाद उनको ऐसे सलिए डाल के उनको मार डालते थे। और मेरा बड़ा भाई था ना, उसके 2 बच्चे बच गए, उसको भी जलाए। छोटी लड़की थी उस वक्त, 3-4 साल की थी, उसके हाथों पर पुलिस वालों ने खूब डंडे मारे थे। फिर मेरा भाई जल गया, भतीजा जल गया, उसको लेके वाड़ीलाल में 3 महीना में रही, उसके साथ में उसका इलाज करे हम लोग। मेरी भाभी कैंप में रहती थी, फिर हम लोग सालम कैंप में गए 8 महीना। जैसे हम लोग कैंप में रहे, कैंप में आने के बाद दवा खाने में हम लोग मेरे भतीजा का इलाज करवाए, फिर वहाँ रहे हम लोग। फिर उसके बाद 3-4 महीना तो हमको जैसे हमको कुछ होश ही नहीं था कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या नहीं, हम लोग बहुत सदमे में थे। फिर उसके बाद कैंप में से निकले, फिर हम लोग यहाँ नरोड़े पार्टी वापस रहने के लिए आए। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे? हम तो पूरा परिवार था हमारा खो के ही बैठ गए, पूरा हरा भरा हमारा घर था, हमारा घर पूरा कर दिए, बच्चे बड़े बुढ़े सबको जला दिए, सबको मार दिए। अब हम लोग रहने जाते तो जाते भी कहाँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं नरोड़े पार्टी के से। आ गए हम लोग, लोगों को फिर हिम्मत दिए कि हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे नहीं, तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज हमको 10 साल हो गए, आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला। 10 साल हमने जो फिर कैंप में से हम लोग निकले,
जो ऐसे लोग थे जो बहुत डरे हुए लोग थे, हम लोग मैंने उनको हिम्मत दी कि हिम्मत रखने का, जो हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो जो मैं जानती थी 5 लोगों का नाम आरोपी लोग का लिखाई हूँ, इसके अलावा और भी लोग थे और वहाँ की जो सोसाइटी की औरतें थी उन लोगों का मैं नाम जानती नहीं थी, चेहरे से जानती थी, तो कोर्ट में मैं सबको दिखाई। ज़्यादातर नरोड़े पार्टी में सब पढ़े लिखे कोई है नहीं, पढ़े लिखे तो मैं भी नहीं हूँ। जैसे कोई का कोई दवाई वाई का काम होता है, कहीं हॉस्पिटल जाने का होता है, जैसे यहाँ बहुत जिसको कोई मालूमात नहीं होती है, जैसे हम बाहर फिरते हैं, जैसे सिविल हुआ, जैसे वाड़ीलाल हो गया, कहीं जाने का, कोई का राशन कार्ड बनाना हो, कुछ ऐसे काम होता है, जैसे सब काम में मैं जाती हूँ। जिसको नहीं मालूम होता उनका काम करवाती हूँ, दवाखाने का नहीं मालूम पड़ता है तो दवाखाने लेके जाती हूँ। और जो स्कूलें हैं, जो स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग डरते हैं कि बोले मुसलमान के बच्चों को हम लोग भेजेंगे तो कोई हमारे बच्चों को मारेगा, तो उनको मैं हिम्मत दिलाती हूँ कि जो हो गया हो गया, अब तो हम तो यही चाहते हैं चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाईचारा बन के रहे। जो हमारे साथ हुआ है 2002 में ऐसा किसी के साथ ना हो, हम तो यही चाहते हैं। 2002 में हमारी सब रोजी छूट गई थी, बेकार हो गए थे, फिर भी हमने हिम्मत करी, मजदूरी करी, जहाँ जहाँ जाने का होता था हम हमारा खुद का पैसा ही नहीं लगाते थे, हम तो ये चाहते थे जब हमारा सब खत्म ही हो गया हम किसी के काम आ गए। तो हमसे कोई सवाल करता है तो हमको तो ऐसा लगता है ये अभी का माहौल है, आज हमारा पूरा परिवार ख़त्म हुआ, कैसे हम भुलावे हमारे परिवार को। हम तो जो रह रहे नरोड़ा पाटी, हम तो ये न्याय मिले हमको, हमको इंसाफ मिले, हमको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। जिस तरह से और 2002 और 2012 10 साल के बाद जितने भी हिंदू मुस्लिम बहनें हमारे साथ हमारा काम देखते हुए कदम मिलाते हुए आगे, पहले हमको आगे करते थे कि आप आगे जाओ हम साथ हैं, नहीं चलना है तो हम साथ साथ चल सकते हैं, वैसे करके जो बाहर निकले हैं वो बिल्कुल उसका घर फैमिली कम्युनिटी और फिर बाहर रास्ते पे आई है। मैंने देखा कि मेरे से कई ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, कोई ने अपने घर का कोई खोया है, किसी ने क्या खोया है, कोई के मानसिक इफेक्टेड हुई है, एक भाई पागल हो गए थे, काफ़ी सारा देखा, बहनें रो रही थी, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं मैं एक अपने आप को भी संभालूँ और लोगों को भी संभालूँ। फिर तो मैं इन लोग के साथ लगातार धरना रैली कोटा में भी साथ दिया, अभी पुलिस स्टेशन में भी कहीं भी होती है तो मैं चली जाती हूँ। फिर 2002 के दंगों के पीड़ितों के साथ जो हो रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक बेदारगी आ गई तो फिर जब से कंटिन्यूटी से ये सारे कामों में लगे हुए हैं हम लोग। उनको देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये बहनें जो आई हैं, जो बच्चे आए हैं, एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, जो जिन औरतों को रास्तों में बच्चे पैदा हो गए थे, जिन जो औरतें दर्द से तड़प रही थी, उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि उनकी मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को सलाह दें और हमारी सलाह पे वो डिपेंड रहेगी, वो खुद ये नहीं कि अब सामना भी कर सकती है, कैसे पुलिस का भी सामना कर सकती है। तालीम ट्रेनिंग के अंदर सब बहने यहाँ पर उन लोगों के अंदर बहुत सारा बदलाव है और बहुत सारी इनके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है। जो बहने मतलब वो ऐसी थी कि वो नहीं मानती हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत किया है, उसकी जो मेंटालिटी थी मतलब वो थोड़ा थोड़ा बातचीत करके हमने मतलब बाहर आने के लिए, और अब वो बाहर आने लगी थी हमारी मिट्टी को भी आते। तो मैं बहुत डरती थी कि नहीं तू है ना, मुझे अहमदाबाद बस स्टैंड बस में तुझे मुझे बिठाना आना पड़ेगा जी, मैं यूँ सोचती थी। तो फिर वो मेरे को बस में बिठाने आती जब भी मैं जुआपुरा तक जाती जी, अभी कहीं भी किधर भी कुछ होता नहीं तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ती। आप आगे बढ़ते हो। किसी से भी नहीं डरती, पुलिस हो को किसी से कोई हमसे सवाल करता उसको हम किस तरीके से जवाब दें वो भी हमें जागृति आ गई है कि हम वो ऑफिसर उससे कैसे बात की जाए। जो मुस्लिम समाज के लोग जो इफेक्टेड थे, जो वहाँ कहीं कहीं से जहाँ से भी वहाँ कैंप में आके रहे थे, तो उनको जो साबुन चाहिए, तेल चाहिए, जो भी मतलब लोगों से बाहर से जो आती थी चीज़ें तो वो इनको पहुँच जावे, इनका वितरण करना था। वहाँ से हमने आगे वाली लेके मैंने खुद नहीं मतलब जिस टाइम पे कुछ पगार वैसा नहीं था, मगर ये था कि सबको मिलना चाहिए और सबको खाना भी मिलना चाहिए, जहाँ खाना पकता था अच्छा उनके पास से काम भी लेना, क्योंकि 2000 पब्लिक थी तो 2000 पब्लिक का खाना भी पकवाना। वो लोग भी अभी घर के लोग भी मतलब इतने अवेयरनेस हुए हैं कि नहीं ये जो काम कर रहे हैं और हमको भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए, और बिल्कुल ये जो अवेयरनेस वाला काम है हम सबको मिलके एक संगठन की तरह हमको ये काम को आगे ले जाना है। मेरा घर जब टूट गया कर दिया, आज मैं खुद दंगे की शिकार बनी हूँ, तो मुझे इन दूसरी मुस्लिम बहनों को मेरे को अंदर नहीं रखना है, मेरे को इनके साथ काम करके मेरे बाहर निकालना है। शुरुआत करी मेरे अगले साथी ने बता दिया
2006 में हमने निशा कुशल बात की थी, वही हमारी बातें अंदर निकल रही थी, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो हम बोला था ऐसा हुआ अब नहीं होगा, इसके लिए अपने कुछ करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम सबको मिलके करना है, हम अकेले करेंगे तो नहीं बनेगा जी। हमारे साथ हम दलितों को भी कभी कभी प्रोग्राम में जोड़ते थे और मुस्लिम भी, दोनों लोग। जिस तरीके से हमने युवाओं के साथ भी काम किया, उनकी भी सोच बदलने की लगातार हमने कोशिश की है और उसमें हमको सफलता भी मिली है। शुरुआत हो रही है कि हम एक समाज से एक नया समाज बनाए बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हमको एक घर बनाने के लिए ईंट रेती मिट्टी की ज़रूरत होती है, तब जाके तो हमारा घर तैयार होता है। लेकिन हमारा सपना रहता है कि एक दिन हमारा मकान तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। हमारा भी यही सपना है कि महिलाएँ आगे बढ़ें और वो अपने अधिकार को समझने की कोशिश करें, वो भी एक घर की ही तरह है। अगर वो सपना देखती कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो हासिल करके देगी, लेकिन उसके लिए हमको हमारी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम हमारा काम खत्म करें। चाहे कोई भी फंक्शन हो, इवेंट हो, प्रोग्राम हो, वहाँ बोलना शुरू करें। जो आज तक वो कभी बोली नहीं थी, वो कभी उसने कभी समझा ही नहीं था कि मेरे साथ या हमारी कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है। और पहले करते अभी के माहौल में औरतों के अंदर यानी बहुत हिम्मत आ गई, जैसे जैसे औरतें बाहर निकलती है ना सब माहौल देखती हैं, तो उनको यानी बहुत एक दूसरे को देख के हिम्मत उनकी बढ़ जाती है, बोलने की ताकत उनमें आ जाती है। नरोड़ा पाटिया गए, वहाँ से सर्वे कराया और यहाँ के जो कैंप के अंदर रहते थे और कैंप के अंदर जो बीमार होता था, किसी को कोई तकलीफ होती थी, उनको अस्पताल लेके जाते थे, उनको आश्वासन देते थे कि भाई घबराओ मत, मालिक ने तुम्हारा बुरा करा, मालिक अच्छा करेगा। जो हमारा हॉल है वहाँ जाके सब महीने दो महीने एक मीटिंग्स रखते हैं और शिक्षण के बारे में, रोजगार के बारे में किस तरह से परिवर्तन लाना, वो सब बहनों को समझाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब बहनें आती है। कि जैसे वहाँ कैंप लगा, सब पीड़ित लोगों को ला के वहाँ पे किफायत नगर जैसे पार्क पाटिया पे कैंप लगा था, वहाँ पे पीड़ित लोगों को ला के रो रोकते थे दिन के, यहाँ खाना पकाने के लिए सब मदद के लिए मैं जाती, सुबह में जाती शाम को आती। अभी हमने बिलोड़ा में 2000 बहनों का संगठन बनाया, उनके SHG ग्रुप खुलवाए हैं, उनके आई कार्ड निकाले हैं भारत सरकार के हैंडीक्राफ्ट के, और अब उनके लिए आगे हम काम करना चाहेंगे। घर है होकर भी बेघर है, ऐसा ही वो वहाँ हुआ था, उस पर एक नाटक बनाया था, तो वो मुसलमान पर पूरे नाटक बना था, वो नाटक पूरे अष्टी लोगों को, 40 गांव है लामड़िया के आजीबाजू, अच्छा। तो उसको सब लोगों को बताया था हमने। जैसा हम हिम्मत है, हम हिम्मत रखते तो आप भी ऐसी हिम्मत रखें, जैसा आज हमारे साथ वैसा किसी के साथ ना हो, ऐसी आवाज़ उठाओ। जैसे उनके लिए पहले तो छत का एक सवाल था, और जैसे कि बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और सब जानते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए सबको एक बंधे हुए मकान में रखना तो मुनासिब नहीं था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक मंडप है जो उनके लिए बनाया गया, टेंट बांधा गया, और टेंट में भी अलग अलग उनके लिए विभाग बनाए और इस तरह से उनको रखा गया वहाँ पर। औरतें मिल के हम काम करने लगे और सारा सारा दिन औरतों के साथ बैठते थे, कोई गालियाँ भी देते थे कि क्या तुम करोगे, क्या बोलोगे, क्या अपने करता सब ऐसे ही है, ऐसा कर करके बोलते थे। उसके बाद सब करते करते हम 7 महीने वहाँ ही कैंप में रहे। जिस तरीके से हम तैयार हुए नाटक के द्वारा या गाने के द्वारा, और हमारा पूरा मतलब जो हमारी पूरी सीखने की जो प्रक्रिया थी वो नाटक के द्वारा ही थी। कोई उड़ते जाओ हिम्मत करके बोलो, कोई उड़ते जाओ उड़ते, और नहीं रही थी कोई भी, तो मैं खड़ी हुई, मैं चलो मैं चलती हूँ, तो फिर मेरे साथ में दूसरी दो औरतें खड़ी हुई। काफ़ी बच्चे डरे हुए थे, उनके साथ काम करना, बच्चों के साथ काम करना जी, हम 2 घंटा बच्चों के साथ भी काम करते थे, हम अपना दुख भूल के नहीं ये सब करते थे। 2002 से लेके आज 10 साल होने आ रहे हैं, और इन 10 सालों के अंदर बहनों ने बहुत सारे काम किए हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने इन 10 सालों के अंदर दंगा पीड़ित बहनों की लड़ाई लड़ी है, उनको FIR से लेके पंचनामे से लेके उनको कंपलसेशन दिलाने तक की हमने बाकी NGO से मिल के लड़ाई लड़ी है, आतंकवाद की लड़ाई हमने लड़ी है, पोटा को लेके एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जो बहनें कभी घर से बाहर नहीं निकली थी वो बहनों को हमने बाहर निकाला है। उस वक्त का माहौल आज भी याद करते हैं तो दर्द हो रहा है, फिर मुझे लगा कि मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे वो कुछ
दिमाग में लगा कि ये सब तो हो रहा है, रिलीफ भी आ रहा है, लेकिन जो लीगल पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए, लोगों की जो कंप्लेंट लॉन्च होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है लोगों के साथ ही हुई है, तो वो हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ का फिर जो रिलीफ कैंप को संभालता था वो मैनेजमेंट से मैंने जाके बात की, फिर उन्होंने बोला नहीं हम लोग ये सब रिलीफ का कर रहे हैं तो और कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मैंने बोला कि आप मुझे एक कोना दे दीजिए ताकि जितने भी सारे लोग हैं तो कैंप में उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाइए और उनसे मतलब जो भी हुआ उनके साथ तो सबकी कंप्लेंट हम लोग बकायदा लिख के भेजेंगे। पर ऐसे परिवार कि जो घर में है और दंगों की वजह से घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे परिवारों को हम लोगों ने ऐसे माहौल में जहाँ ये सारे दंगे हो रहे थे उसके बावजूद भी मैं खुद इन सारी बस्तियों में जाके इनको अनाज जो है वो रिलीफ के तौर पे दिया गया था। कैंप में काम किया जी, बहनों के साथ कंपनसेशन का ना ये सब लाइवलीहुड ना विधवा सहाय का ना ये सब काम किया, मकान सहाय के अंदर काम किया जी। वहाँ हम जुआपुरा में जाते थे जो बेघर हो गए थे उसको हम किट दिलाते थे, बर्तन की या कंपनसेशन दिलाते थे, सब दिलाते थे। इनका सपोर्ट की वजह से आज महिला बहुत आगे है, जैसे कि वो हमसे मिले और हम उनसे मिले, उनके साथ से और उनको देखकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। ऐसा ही चलता रहा तो कभी ऐसा दंगे फसाद होगे भी नहीं और एकता बढ़ती रहेगी। जब अखा हाथ बन जावे तभी काम बनता है, पर इसके लिए सबको जागना पड़ेगा और सबको आवाज उठानी पड़ेगी। चल सके चली गई मोहाल कर हजार भेष धर के आई।